जय माता दी। ताराकोट मार्ग या पुराना मार्ग, किस से माता के भवन जाए, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आइए आपकी सारी कंफ्यूजन मिटाते हैं। आइए इस वीडियो में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस मार्ग पर क्या सुविधा है। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। बड़ी ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपको किस मार्ग का चयन करना है। पूरी जानकारी देता हूं, आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। कई भक्तों का यह कहना है कि ताराकोट मार्ग काफी लंबा है, जो माता के दरबार जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी जानकारी। हाल ही में ताराकोट मार्ग का आरंभ हुआ। ताराकोट मार्ग को समझने से पहले आपको पुराने मार्ग की जानकारी देते हैं, ताकि आपको ताराकोट मार्ग का महत्व समझ में आए। जो पहली बार ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले पुराने मार्ग में जाने के लिए यात्रा आरंभ होती है कटरा बस स्टैंड से। कटरा बस स्टैंड से हम सबसे पहले ऑटो या कैब से बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर हम अपना यात्रा कार्ड दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। यात्रा कार्ड के बारे में आपको बता दें कि यात्रा कार्ड आपको बस स्टेशन के पास बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, जिसको आपको यात्रा के पश्चात वापस करना होता है। बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद हम पहुंचते हैं अर्धकुमारी, जो कि चेक पोस्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके पश्चात अर्धकुमारी से सांझी छत की दूरी 3.5 किलोमीटर है। अर्धकुमारी पर दर्शन करने के बाद या थोड़ा विश्राम करने के बाद अर्धकुमारी से 3.5 किलोमीटर की और दूरी तय करके हम माता रानी के पावन भवन पहुंच जाते हैं। मतलब पुराने रास्ते की कुल दूरी हुई 13 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं ताराकोट मार्ग। ताराकोट मार्ग की बात करने से पहले आपको बता दूं कि पुराने रास्ते में आपको 13 किलोमीटर की यात्रा तय करने में घोड़े पालकी की सुविधा प्राप्त हो जाती है, लेकिन मन में हमेशा घोड़ों से टकराने का भय एवं उनके मल की दुर्गंध से दो चार होना पड़ता है, और कहीं कहीं रास्ता थोड़ा सकरा भी है। आइए अब ग्राफिक के माध्यम से ताराकोट मार्ग के बारे में समझते हैं। ताराकोट मार्ग जाने के लिए कटरा बस स्टैंड से ही आसानी से ऑटो व कैब से पहुंचा जा सकता है। ताराकोट मार्ग के द्वार पर पहुंचकर वहां से 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी से मात्र 3.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम भवन पहुंच जाते हैं। मतलब ताराकोट मार्ग से भवन तक पहुंचने की दूरी मात्र 12.5 किलोमीटर। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ताराकोट मार्ग पुराने मार्ग की तुलना में छोटा है। आइए अब ताराकोट मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानते हैं। ताराकोट मार्ग पे आपको घोड़े और पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आप घोड़े से जाना चाहते हैं या पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको पुराने मार्ग से ही जाना होगा। लेकिन पुराने मार्ग की तुलना में ताराकोट मार्ग में सीधी चढ़ाई नहीं है, काफी हद तक समतल है, जिसमें श्रद्धालु आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी आरंभ में ताराकोट मार्ग जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पुराने मार्ग की तुलना में कम है, और एक कारण शायद यह भी है कि इस मार्ग में बाणगंगा चरण पादुका के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी इस मार्ग पर सुविधाओं का भंडार है। आपातकालीन स्थिति में इस मार्ग में तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर भेजा जा सकता है।
लेकिन पुराने मार्ग पर यह संभव नहीं। और इस रास्ते में निशुल्क लंगर के तो क्या कहने, वो भी 24 घंटे। पूरे मार्ग में शेड होने के कारण यात्रियों को बारिश या तेज धूप में भी सफर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर हर 200 मीटर पर वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं। हरियाली बनाए रखने का भी बड़ा प्यारा सा प्रयास किया गया है। और भवन पहुंचने के बाद चाहे आप पुराने मार्ग से जाएं या नए मार्ग से, बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए अब रोपवे का भी निर्माण हो चुका है। रोपवे से भैरव जी के दर्शन करने का एक अलग ही अनुभव है। तो मैंने दोनों मार्गों के बारे में आपको बता दिया। पुराना मार्ग जहां पर थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर घोड़े और पालकी की सुविधा है। वहीं पर ताराकोट मार्ग में आपको घोड़े और पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन चलना पुराने मार्ग की अपेक्षा ज्यादा आसान है। तो कैसी लगी यह जानकारी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और जानकारी के साथ मैं सावन राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।